हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे 10 परमानेंट प्लांटी की कटिंग शेयर करूंगी, जिसे आप अक्टूबर और नवंबर मंथ में आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में कटिंग लगाने की तरीका और इसके कितने इंच की कटिंग लेनी है और कौन कौन से प्लांट हैं उनके नेम और पिक्चर और थोड़ी थोड़ी सी केयर और मैंने जितने कटिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकन के साथ। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्लांट है इसे बिगोनिया कहते हैं। एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। विंटर में इनकी फ्लावरिंग होती है और समर सीजन में हल्की हल्की सी फ्लावर आपको देखने को मिलता है। इनके कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये देखिए, रेड कलर का एक छोटा सा प्लांट मुझे कहीं से मिल गया था और इसी डिस्पोजल में मैंने इसे कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और प्लांट में फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गया है और बहुत ही हेल्दी मेरा प्लांट ग्रो हो गया है। तो चलिए इसके बताते हैं कि इसे कटिंग से कैसे लगाया जाता है। कटिंग के लिए फ्रेंड्स, मैं छोटे पॉट का यूज़ करती हूँ, तो 5 इंच के मैंने मिट्टी के पॉट का यूज़ कर रही हूँ और ड्रेनेज होल को मैंने छोटे से ठीकरी से बंद कर दिया है। और इसके लिए जो सॉइल तैयार करनी है, 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 50% सैंड का मिक्स करके, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते कटिंग को लगाते टाइम। और ये देखिए, मैंने नोट एरिया से 4 इंच की विगोनिया की कटिंग ली है। ज़्यादा बढ़िया कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है और इस बात का ज़रूर नोटिस कीजिए, मैंने टिप की कटिंग लिया है। जब भी आप कटिंग करें, अगर टिप की ब्रांच की कटिंग मिले तो कटिंग 100% सक्सेस होते हैं। और बीच की कटिंग अगर मिल रहे तो उसमें थोड़ा सा टाइम रहता है। और मैं ज़्यादातर सारे कटिंग टिप की लेती हूँ और छोटे पॉट में लगाती हूँ, सैंडी सॉइल का यूज़ करती हूँ। और जब भी कटिंग आप लगाएं तो कम से कम इनकी जब तक ग्रोथ ना दिखे, आप छाए वाली जगह पर रखिए जहाँ इसे सनलाइट ना मिले, रोशनी वाली जगह पे रखें जहाँ धूप ना मिले लेकिन रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। और अक्टूबर मंथ बहुत ही अच्छा मंथ होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से ये सारे कटिंग मैंने ग्रो किया है और रिज़ल्ट आपके सामने हैं। बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। ये प्लांट हमें नर्सरी में फ्रेंड से 200+ का मिलता है। और अगर आपके पास मदर प्लांट है तो इस टाइम आप कटिंग कीजिए, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लांट आपके पास फ्री में तैयार हो जाएंगे और उसमें फ्लावरिंग आना शुरू भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट है, इसे सैकुलेंट्स है, एचिवेरिया कहते हैं। काफ़ी सुंदर इनकी वैरायटी है, बहुत सारे इनके प्लांट्स होते हैं और सैकुलेंट्स को हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इस टाइम इनकी ग्रोइंग टाइम होती है। और देखिए, इस टाइप के आपके प्लांट्स में कुछ ऐसे सिग्नल देंगे कि रूट्स बाहर की तरफ निकले होंगे, तो इनकी स्टेम की कटिंग करके आप ओनली सैंड में अगर इसे लगा देंगे बिना पानी यूज़ किए तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इनमें रूट्स हैं, तो बस इनको कट करके आपको लगाना है और ढेरों सारे प्लांट को मल्टीप्लाई करना है। इनके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, हर वैरायटी में कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं। और अगर नहीं है तो भी आप इनकी एक एक लिप से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, स्टेम की कटिंग से और एक सिंगल लिप से। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है फ्रेंड्स। सैकुलेंट्स बहुत ही अच्छा प्लांट होता है लेकिन बहुत लोग डरते हैं कि ये प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत ही ईजी क्लियर होती है इनकी। अगर आप इनके ऊपर फुल डिटेल चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अभी 1 वीक पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किया है तो आप देख सकते हैं। सैकुलेंट्स को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट प्लांट है, इसे बेबी सनरोज कहते हैं। और इनमें फ्लावरिंग पूरे साल भर होती है, बहुत ही सुंदर इनके फ्लावर खिलते हैं। कम केयर में, पुअर सॉइल में, बिना पानी के, बिना खाद के सालों साल तक चलने वाला ये प्लांट होता है। और इस टाइम अगर आप इनकी कटिंग करेंगे तो ढेरों सारे प्लांट आप फ्री में पा सकते हैं। और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में और पॉट में दोनों साइड आप इसे कटिंग के थ्रू इस टाइम लगा सकते हैं। इनके ऊपर की ऐसे टिप की कटिंग लीजिए नोट एरिया से, जो 2 पत्तियों के बीच का पार्ट होता है वो नोट एरिया होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये देखिए, मैंने छोटा सा प्लास्टिक के डिस्पोजल में इसे ग्रो कर रखा है और मेरा प्लांट 100% ग्रो भी हो गया। ओनली सैंड में इसे मैंने ग्रो किया है, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन से प्लांट को कैसे सॉइल में ग्रो करना है।
तो बेबी सनरोज को भी आप सेंड में अगर ग्रो करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके सिंगल लीफ से भी हम बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हैंगिंग बास्केट में देखने में काफ़ी सुंदर लगता है बेबी सनरोज। और इसी के पास एक प्लांट है, इसे सीडम कहते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट होता है और विंटर में इनमें फ्लावरिंग होती है। इनके छोटे छोटे से 1 इंच 2 इंच की भी स्टेम अगर आप लगा देंगे यहाँ से कट करके किसी भी सैंडी सॉइल में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम इनकी ग्रोइंग टाइम में बहुत ही स्पीड से ये प्लांट ग्रो होता है और नर्सरी में आपको इस टाइम ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास मदर प्लांट है या आपके आसपास कहीं पर भी ये प्लांट दिख रहा है तो आप एक छोटा सा ब्रांच इनकी ला के उसी से ढेरों सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और पॉट में भी आप लगा सकते हैं। पानी कम चाहिए होती है, धूप भी कम चाहिए होती है इस प्लांट को। नेक्स्ट जो बहुत ही खूबसूरत सा एक परमानेंट प्लांट है, इसे पर्पल हार्ट कहते हैं। इस टाइम इनके फ्लावर देख सकते हैं खिले हुए हैं और लाइट पर्पल कलर के इनके फ्लावर होते हैं। काफ़ी सुंदर एक परमानेंट प्लांट है और ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। और हैंगिंग बास्केट में और पॉट में इसे अगर आप लगाते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इनकी कटिंग आप 4 से 5 इंच की ले सकते हैं, ऐसे नोट एरिया से कटिंग लीजिए और किसी भी सैंडी सॉइल में आप लगाइए तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। और ज़्यादातर मैं पर्पल हार्ट को ऐसी जगह लगाती हूँ जैसे कोई बड़ा सा मेरा पॉट है और खाली जगह है तो उसी में मैं इसे ऐड करती हूँ और देखने में कलरफुल लुक देता है और प्लांट की रौनक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर्पल हार्ट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप अगर एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये प्लांट खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है। इतने ढेरों सारे प्लांट ये अपने सीजन में ऐड करता है और इनकी कटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस पॉट में आप लगाते हैं उनके बेबी प्लांट से निकल के पूरी तरीके से वो पॉट भर देता है। और ये देखिए जेरेनियम के नीचे मैंने लगा रखा है और छोटा सा ब्रांच लगाया था और कम से कम अभी 3-4 ब्रांच इनके ग्रो हो गए हैं इसी सीजन में, तो इस प्लांट को भी आराम से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट प्लांट है इसे ट्रायंगल हार्ट कहते हैं। इस सीजन मैंने अपने गार्डन में मानसून में इसे कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और जब मैंने कटिंग लगाई थी तो इसकी 2-3 ब्रांच ही मुझे मिला था कहीं से, तो उसी ब्रांच को कट कर करके मैंने पूरी बास्केट को भरा है। और इनके अगर मदर प्लांट हैं आपके पास तो इस टाइप के कुछ सिग्नल आपको दिखाई देंगे कि उनके रूट्स से थोड़े से ग्रो होंगे, तो इनके नोट एरिया से ऐसे कट करके आप अगर सैंडी सॉइल में इसे लगा देंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% ही मिलेगा। बहुत ही कम केयर में सालों साल तक चलने वाला ये प्लांट होता है और ज़्यादा इनको पानी की और धूप की ज़रूरत नहीं होती है। हैंगिंग बास्केट में और किसी भी छोटे से पॉट में भी आप अगर इनकी कटिंग लगा देंगे इस टाइम तो बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। फर्टिलाइज़र बहुत ही कम मांगता है, कभी कभी अगर आप 2-3 महीने बाद भी इसमें फर्टिलाइज़र करते हैं तो भी प्लांट बहुत खुश रहता है। आगे ये प्लांट है विनका, हाइब्रिड विनका है, ये पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है और कटिंग इस टाइम अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इनकी ऊपर की टिप की कटिंग लीजिए आप, 5 इंच की कटिंग अगर लेंगे तो बहुत ही सही है। और कोशिश कीजिए कोई भी आप ब्रांच की कटिंग ले रहे हैं तो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, ऐसी कटिंग लीजिए। और टिप की और नोट एरिया की कटिंग लेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और कटिंग को किसी भी छोटे से पॉट में आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल में 50% सैंड का मिक्स करके, फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं लगा के आप अगर शेड एरिया में रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा कटिंग का। और ढेरों सारे प्लांट आप मदर प्लांट से तैयार कर सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में फ्रेंड्स अगर आपके पास विनका है तो उसे ओस से ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि ओस में विनका सारे ख़राब हो जाते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है क्लैंचो, काफ़ी सुंदर इनके कलर और देसी हाइब्रिड दोनों वैरायटी काफ़ी सुंदर और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इनकी कटिंग का सबसे अच्छा टाइम ये होता है, बहुत ही तेज़ी से इस टाइम इनकी कटिंग ग्रो हो जाता है
और इस टाइम अगर आप कटिंग करेंगे तो छोटे से प्लांट में ही आपको फ्लावर्स आगे आने वाले दिनों में दिखने को मिल जाएगा। आगे जो बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे कोलियस कहते हैं। कोलियस की कटिंग करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर नवंबर मंथ होता है। इस टाइम अगर इनकी 5 से 6 इंच की कटिंग आप लेंगे और किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसे लगा देंगे और छाई वाली जगह पर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई सारे कलरों में ये प्लांट हमें मिलता है और गार्डन में कलर ऐड करने का सबसे अच्छा काम ये प्लांट करता है और विंटर में इनमें फ्लावरिंग भी होती है, वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। विंटर में इनको थोड़ा सा ओस से बचाना होता है और कटिंग अगर आप लगा रहे हैं तो धूप से बचाइए, आपको 1 वीक में ही इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। कम केयर में, कम पानी में, कम खाद में बहुत ही सालों साल तक चलने वाला ये प्लांट होता है और इन्हें जितना भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, जितना भी पिंच करेंगे, उतना ही अधिक ये प्लांट फैलता है और बुस्सा लुक देता है, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आगे ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है गुड़हल। गुड़हल को हम कटिंग से इस टाइम बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये देखिए मैंने कटिंग लगाया था और इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। रूट्स 100% मेरा ग्रो हो गया। अब इस प्लांट को मुझे रिपॉट करना है और यहाँ पर भी एक कटिंग है, इसमें मैंने देसी के 2 कलर और इसमें हाइब्रिड का 1 कलर लगा रखा है। गुड़हल को ज़्यादातर मैं कटिंग से ही ग्रो करती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये थे कुछ प्लांट फ्रेंड्स से परमानेंट, जिसे आप अक्टूबर नवंबर मंथ में आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी फ्रेंड्स से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।